बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जुम्मे को सलात व तस्बीह पढ़ा करती थी, मैं पढ़ती थी, बाजी मेरी पढ़ती होती थी जब मैं बाजी के घर रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपको होता है, ज़िंदगी में ऐसे फंस गए हैं कि जो टाइमिंग का मसला बन गया है कि टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता नहीं होता, टाइम निकाला जाता है, लेकिन बड़े अरसे बाद ये बात समझ आई है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। अभी मैं किचन में आई हूँ, थोड़ी सी मैंने कुकिंग की स्टार्टिंग ली है। आज मैं जो है ना आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। और जो पीसेस थे उसमें मैंने, जो बड़े पीसेस थे उसमें मैंने कट लगा के इसमें मैं जो है ना हल्दी और सुर्ख मिर्च और नमक सिर्फ डाला है। और इसमें मैंने बस थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको जो है ना थोड़ा सा बैट किया है, और इसे अब मैं जो है ना स्टीम पे रखूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह मसाला लगा के और जो है ना 10 मिनट मैंने रेस्ट दी है। अभी मैंने जो है कढ़ाई में डाल के इसको जो है ना इसके ऊपर ढकना रख दूंगी, इसको थोड़ा स्टीम दूंगी। गला मेरा बहुत ख़राब है और मुझे फ्लू भी हुआ है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सा मसला आ रहा है, तो उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना ढाम के रखूँगी ताकि जो है ना चिकन को हमारा थोड़ा सा स्टीम लग जाए। चिकन हमारा थोड़ा सा स्टीम हो गया है, इतना ज़्यादा नहीं करना है कि ये नौ के बोटियाँ गाली जाए। इससे ये होता है कि थोड़ा सा चूसी सा बनता है, मज़े मज़े का बनता है, अंदर से जो है ना बोटियाँ कच्ची नहीं रहती हैं और सही गल भी जाता है और नरम भी रहता है। लेकिन वैसे तो आप लोग चिकन रोस्ट करें तो वो जो है ना अगर डीप फ्राई करें तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है, तो इस तरह ये होगा कि चिकन हमारा सख्त नहीं होगा। इसमें मैंने दही डाली है और मसाले सारे डाले हैं मैंने जो है ना, इसमें हल्दी भी डाली है और मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें रोस्ट मसाला भी डाला है, वो जो पहले मैं भूल गई थी फिर बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने जो है ना इसमें वाला रोस्ट मसाला डाला है। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है। बेसन से ये होता है कि बोटियाँ हमारी थोड़ी सी जुड़ जाती हैं और अलग अलग नहीं होंगी, और कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि थोड़ी सी मैं जो है क्रिस्पी से बनेंगे। और ये आज मैं जो है ना लच्छेदार से पकौड़े बना रही हूँ प्याज और आलूओं के। मैंने प्याज और आलूओं को लंबे लंबे काट लिए हैं और इसमें मैंने जो है ना पकौड़ों वाला मसाला डाला है और इसका एक अच्छा सा मसाला बनाया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके और उसमें सारे पीसेस मैंने डाल दिए, एक ही दफ़ा मैंने सारे पीसेस डाल दिए ताकि एक ही दफ़ा में जो है ना ये सारे बन जाएं।
और बस फिर मैंने चूल्हा को थोड़ा सा ऐसा किया, पहले मैंने चूल्हे को थोड़ा तेज़ रखा था, फिर मैंने जो है ना गैस को थोड़ा ऐसा कर दिया है और अब हल्की आंच पे ये थोड़ी देर पकेंगे और फिर मैं जो है ना इसका चूल्हा थोड़ा सा जो है ना तेज़ करके तो इनका कलर जो है ना एक अच्छा सा कलर लेके आऊँगी। इधर मैं सिंपल से चावल बनाने लगी हूँ और ये मैं आप लोगों को हाथ दिखा रही हूँ, मेरा हाथ जल गया था कि मैं जो है ना बस मेरे साथ इस तरह के खाऊँ, मेरा ख्याल ही नहीं था तो मैंने गर्म ढकना उठा लिया है तो जिसकी वजह से मेरा हाथ जल गया है। और ये देखिए हमारा कलर आने लग गया है, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और मज़ेदार सा कलर आ रहा है। अभी हम जो है ना इसका थोड़ा सा चूल्हा इसको तेज़ करके और फिर जो हम सारे जो है ना पीसेस इसमें से निकाल लेंगे। सारे पीसेस को मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिए कि इसमें से ऑयल अच्छी तरह निचड़ जाए तो फिर मैं जो है ना इसको डिश आउट कर दूंगी। और देखें कितना यम्मी सा और कितना मज़े का और कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त आया है और जूसी सा जो है ना हमारा रोस्ट तैयार हो गया है। चावल भी मेरे तैयार हो गए और अब इसको जो है ना थोड़ा सा हाथ तेज़ चला के इसको डिश आउट कर रही हूँ और साथ मैंने पकौड़ों की भी जो है ना तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी लेट हो गई थी तो फिर मैंने जल्दी पकौड़े बनाए हैं। एक दफ़ा तो मैं पकौड़े उतार चुकी हूँ, दूसरी दफ़ा डाल दिए, मैंने कहा चलो अगर रोज़ा खुल भी गया तो एक दफ़ा पकौड़े तो निकाले हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।